हाँ, आज हम एक फ्लाइंग डक बनाने वाले हैं, क्यूट सी डकी। इसके लिए मैंने एक कप लिया है और इस तरीके से दोनों साइड में मैंने एक बड़े होल कर दिए हैं एंड एक पेपर को इस तरीके से रोल करके उसमें से इंसर्ट कर दिया है। एंड देन मैं उसको अंदर से बीच में से कट कर लूँगी यहाँ से। ओके, यहाँ से हमें कट करना है, तो इस तरीके से मैंने कट कर लिया है और उसके अंदर से मैं एक स्टिक ले रही हूँ। आप कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी राउंड शेप का। एंड देन यहाँ पे विंग्स मैंने काट के रखे हैं, इस तरीके से मैं विंग यहाँ पे स्टिक कर दूँगी। सो ये इस तरीके से घूमने के बाद में इस तरीके से दिखेगा। अब मैंने ऊपर में टॉप में मैंने एक छोटा सा होल कर दिया है, वहाँ से मैं ये धागा क्रॉस करके उस स्टिक के अराउंड वन राउंड कर लूँगी इस तरीके से। और धागा निकलना नहीं चाहिए करके मैंने उसे ऊपर एक बटन से बांध दिया है, सी इस तरीके से। और नीचे में मैंने पैक करने के लिए एक और पेपर का पीस से होल करके उसमें से धागा पास कर दिया है इस तरीके से। सो और फिर मैं थोड़ा सा डेकोरेट कर लूँगी हमारे डकी को अलग अलग कलरफुल इससे कलर से। एंड आईज बना लूँगी, थोड़ा सा नोज डाल देंगे, थोड़े से हेयर्स बना लेंगे और इस तरीके से हमारा डकी, फ्लाइंग डकी रेडी है। बस आपको क्या करना है, ऊपर और नीचे से होल्ड करने के लिए ताकि आप उसे ऊपर नीचे खींच सके, इस तरीके से आप कुछ होल्डर के जैसा आप बना सकते हैं। सो इस तरीके से मैंने ऊपर के साइड में और नीचे के साइड में मैंने ऐसे कर दिया है। सो आप जैसे ऊपर नीचे करोगे तो इस तरीके से होगा। तो देखिए, जब मैं ऊपर खींच रही हूँ तो ऊपर वाला धागा, नीचे खींच रही हूँ तो नीचे वाला धागा। सो इस तरीके से हमारा फ्लाइंग डकी रेडी है। सो ये बनने के बाद कुछ इस तरीके से दिखेगा। आप इसे होल्ड करके ऊपर नीचे इस तरीके से कर सकते हैं। सो हमने धागा ऊपर और नीचे मैंने बांध दिया है और अब देखिए हमारा डकी उड़ने के लिए रेडी है। सो आपको अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलें। बाय बाय।